सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड VLW का रिजल्ट जो है वो कल हो चुका है, कल रात को जो है उसका प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो आ चुकी है। काफ़ी सारे लोग थे जो कि कैटेगरीज़ के एजिस पर थे। ओपन वालों को तो चलो पहले पता चल गया था कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, 88.25 जो है कट ऑफ अभी तक के लिए रहा है। हॉरिजेंटल जो है उसको एक्सक्लूड अगर कर दें, हॉरिजेंटल को जब हम इंक्लूड करेंगे तो ये थोड़ा और नीचे आ सकता है, लगभग 88.75 या 89 तक भी जा सकता है, 88.75 के अराउंड जो हो रह सकता है, 88.5 तक भी हो सकता है। लेकिन कैटेगरी वालों को अभी तक नहीं पता था कि उनकी सिलेक्शन हुई है या नहीं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता। अगर आपकी एक भी नंबर ओपनिंग मेरिट से कम है, अगर आप कैटेगरी में भी फाल कर रहे हो, फिर भी आप गारंटीड नहीं हो सकते कि मेरी सिलेक्शन हुई है या नहीं। तो रात को जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई है उसकी वजह से अब हर किसी को अपना रैंक जो है पता चल गया होगा, और कितना सेफ़ है या कितना नहीं है वो भी उनको पता चल गया होगा। तो जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, चाहे ओपन कैटेगरी में हो, ओपन में हो, या फिर किसी दूसरी रिजर्व कैटेगरी में, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आज की वीडियो बनाने का एक मकसद छोटा सारा वो ये है कि जो बच्चे जो हैं सिलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए तो बहुत खुशी का जो है ये मौसम रहने वाला है, खुशी का पल रहेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल बॉर्डर एजिस पर जो है मौजूद होंगे, और मान लीजिए किसी कैटेगरी की 50 सीटें थी और किसी का रैंक 52, 53, 55, 60 तक भी है, वो बच्चे जो हैं काफ़ी परेशान रात को हुए होंगे। लेकिन आप लोगों से एक मेरी जो है एडवाइस ज़रूर है कि अगर आप मेरी इस एडवाइस पर अमल करें तो शायद हो सकता है कि जिनके चेहरे पर रात को खुशी आई है उसके अलावा भी 50 या 100 बच्चे ऐसे हों जो रात को शायद निराश हुए होंगे, लेकिन उनके चेहरे पर आप लोग जो है वो खुशी ला सकते हैं। मेरी स्पेशल जो है एक अपील या एक एडवाइस ही आप मुझे छोटा भाई के तौर पर आप समझ सकते हो, जो भी बच्चे सब इंस्पेक्टर पुलिस में सिलेक्ट हुए हैं या फिर JEE में हाल ही में सिलेक्ट हुए हैं, जिनको पता है कि मेरी 100% सिलेक्शन हो चुकी है, जो डाउट में है वो तो चलिए अलग बात है, लेकिन जो बच्चे 100% सिलेक्ट हो चुके हैं, चाहे वो JEE का एग्ज़ाम है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर पुलिस का एग्ज़ाम है, उन सबसे मेरी ये एडवाइस रहेगी, आप में से अगर कोई भी बच्चा जो है वो यहाँ पर VLW की लिस्ट में अपने आप को फिगर आउट कर रहा है और अच्छे रैंक से फिगर आउट कर रहा है, तो आप लोग जो हैं कोशिश कीजिएगा कि आप DV में वहाँ पर ना जाएं, क्योंकि आपको पता है कि वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न ख़त्म हो चुका है। अगर आप लोग DV में जाएंगे तो आप कल को तो आप SI और JEE का जो है पोस्ट उसको ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन आपकी DV में जाने की वजह से वो पोस्ट जो है वो वेकेंट रह जाएगी, और जो बच्चा इस वक्त VLW की वेटिंग में है वो बेचारा फिर जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आ सकेगा, उसको जॉब नहीं मिल सकेगी। तो आप लोगों से स्पेशली मेरी जो है एक अपील है, एक एडवाइस है कि आप अगर SI की लिस्ट में या फिर JEE की लिस्ट में वो बच्चे जो हैं वो वहाँ पर फॉल कर रहे हैं जिनकी 100% सिलेक्शन हो चुकी है और उनका VLW में भी काफ़ी अच्छे रैंक पर उनका आ रहा है, चाहे वो ओपन कैटेगरी में आ रहे हो, चाहे वो किसी रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग DV में मत जाइए, क्योंकि आपके DV में जाने से आप लोगों का तो कोई नुकसान नहीं होगा, आप लोगों को तो ऑलरेडी JEE में और सब इंस्पेक्टर में सीट मिल चुकी है, लेकिन आपके वहाँ जाने की वजह से किसी दूसरे बच्चे की सीट जो है, किसी दूसरे बच्चे की लाइवलीहुड जो है वो वहीं पर धरी की धरी रह सकती है। तो अगर आप नहीं जाएंगे तो आई होप कि वो बच्चा जो कि सिलेक्ट होकर आएगा कल, वो आप लोगों के लिए भी अच्छी दुआएं देगा। तो आपको एक सोसाइटी को अभी से सर्व करने का अगर एक जो मौका मिल रहा है, तो उस मौके को उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिए। बाकी डिसीज़न आपका अपना है, वो आपको खुद डिसाइड करना है, लेकिन एक छोटी सी जो है फेवर आप दूसरे बच्चों के फेवर में कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये आप लोगों की एडवाइस है, बाकी जो सिलेक्ट हुए हैं उनको फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है, जो नहीं हुए हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आगे काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं, डिस्करेज नहीं होना है। मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड है, उसकी मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में उसकी सिलेक्शन हुई थी, 98 मार्क्स लाए थे उसने, लेकिन आपको पता है कि वो लिस्ट कैंसिल हो गई, लेकिन उस बच्चे ने डिप्रेस ना होकर आगे की और तैयारी की, और हाल ही में सब इंस्पेक्टर पुलिस में 108 मार्क्स लाए हैं, रेस भी निकाल चुके हैं, कैटेगरी में भी हैं, मुझे तो ओपन में ही उनकी सिलेक्शन लग रही है, तो वो सिलेक्ट हो चुके हैं, हिम्मत नहीं हारी है उन्होंने एक एग्ज़ाम में, डिप्रेस होकर जो है दूसरे एग्ज़ाम पर उसको अफेक्ट नहीं पड़ने दिया, तो वो सिलेक्ट हो चुके हैं बहुत अच्छे मार्क्स लेकर, आगे भी VLW में भी आई थिंक उनके नंबर बन रहे हैं, लेकिन वो DV में नहीं जा रहे, तो वो किसी दूसरे को सीट मिल सकती है। तो इस तरह आप डिस्करेज ना होकर जो है अगले एग्ज़ाम जो है आने वाले उनकी और ज़्यादा अच्छे दोस्तों से तैयारी कीजिए। गलतियाँ क्या रही एग्ज़ाम इस एग्ज़ाम में उसको
फाइंड आउट कीजिए और उन गलतियों को कैसे सुधारना है और अपने जो कमज़ोर पक्ष हैं उनको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, इनको लेकर जो है आप अगले एग्ज़ाम जो हैं उनकी तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।